हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल महास लाइफ में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। घर में रहिए और सेफ रहिए। आज हम बनाएंगे मैंगो और साबूदाना का डिज़र्ट। ये देसी स्टाइल में बनाएंगे, बहुत आसान है और टेस्टी है, हेल्दी है। इसके लिए मैं कढ़ाई के अंदर 2 कप दूध डाल रही हूँ। आप लोग क्वांटिटी के हिसाब से दूध डाल सकते हो। दूध को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दूध अभी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं यहाँ 1.5 स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा थिकनेस बढ़ेगा और स्मूथनेस भी बढ़ेगा, अच्छा स्मूथ आएगा कस्टर्ड। और 2 कप दूध के लिए मैं यहाँ 1/2 कप शुगर ले रही हूँ। शुगर पिघलने तक अच्छे से दूध को पका लेंगे। एक बाउल में 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के लम्स ना रहे उसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए दूध में अभी एक उबाल आ चुका है। उबाल आते ही हम लोग इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो दूध में मिला के रखे उसे भी डाल देंगे। इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। एक अच्छा खासा थिक हो जाना चाहिए। देखिए थिक हो चुका है, अभी 7-8 मिनट हो चुके हैं। उसे अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और एक कढ़ाई रख के कढ़ाई के अंदर 3 कप पानी डालेंगे और मैं 2 कप छोटे से कप से 2 कप साबूदाने डालूँगी। इसे अच्छे से पका लेंगे। एक पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए तब तक पका लेंगे हम लोग। और दूसरी बाउल में सब्जा सीड्स को लेके पानी में डाल के भिगो के रखेंगे। ये 10 मिनट में भीग जाएंगे। और मैं यहाँ 2 मैंगोस ले रही हूँ। मैंगो के पीसेस करके जार में डाल लेंगे। ये साबूदाना भी अच्छे से पक चुके हैं, इसे छन्नी में डाल लेंगे। और ऊपर से 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे और पानी पूरा निकल जाने तक हम लोग इसे अच्छे से छान लेंगे। इसका सारा पानी निकल चुका है। अभी हम लोग इस छन्नी को साइड में रख लेंगे। और सब्जा सीड भी अच्छे से भीग चुके हैं। मैं यहाँ 2 मैंगो जार में डाल रही हूँ बारीक पीसेस में कट करके। और कस्टर्ड को जो कस्टर्ड बना के रखे थे वो भी ठंडा हो चुका है, उसे भी जार में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए मैंगो और कस्टर्ड। उसे एक बाउल में डाल लेंगे, डाल के अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो भी लम्स की तरह बचे हो वो भी अच्छे से निकल जाए। और इसके अंदर हम लोग जो साबूदाना को पका के रखे हैं उसे भी डाल देंगे और सब्जा सीड्स को भी डाल देंगे। देखिए सब्जा सीड्स अच्छे से भीग चुके हैं। अभी ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं यहाँ काजू, बादाम, अंजीर डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो और पिस्ता, किशमिश भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। या कुछ नहीं डालना भी चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और बारीक कटे हुए मैंगो पीसेस को भी डाल देंगे। अभी सारे को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार मिला के मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छा सा चिल्ड हो जाए। ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। फाइनल टचअप के लिए मैं यहाँ 2-3 मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। अच्छा गार्निशिंग के लिए। देखिए चिल्ड हो चुका है। अभी इसे निकाल के एक बार फिर से मिला के हम लोग सर्विंग बाउल में डाल देंगे। आप और ठंडा पीना चाहते हैं तो, खाना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 आइस क्यूब्स डाल सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। ग्लास में डाल के ऊपर से 2-3 मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आपका साबूदाना और मैंगो डिज़र्ट तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बना था। और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी मैं। ओके बाय।